के आए सेल्समैन जी, उन्होंने हमें बताया कि 245 ट्रैक्टर है इनके पास में जी, जो लगभग 6-7 हज़ार घंटे ये ट्रैक्टर अभी तक चला चुके। अच्छा, स्वागत है आपका नई वीडियो में। आज हम दिखाने वाले हैं मैस्सी 245 50 HP, 80-55 50 HP दोनों में। दोनों में दोस्तों 1500 RPM है और पहले का लोहा दोनों ट्रैक्टरों का, जो 4 80-55 की ज़्यादा बैटरी है, जो कि 16 के टायर होने की वजह से, जो बहन देख सकते हैं दोनों का सेम बहन है। 245 शक्तिमान का रोटावेटर है और 80-55 एग्रीना का रोटावेटर है, जो नई कंपनी है। एक दोनों ट्रैक्टरों की एक साथ परफॉर्मेंस देख सकते हैं आप। दोस्तों वीडियो में लास्ट तक बने रहना, परफॉर्मेंस का दोनों का पता चल जाएगा। अभी जो पहले चला हुआ राउंड था वो दोनों में एक बार जुता हुआ पहले था, अब पहली बार में ही जो चल रहा है उसमें आपको दिखाएंगे ट्रैक्टर की परफॉर्मेंस, कौन सा मिट्टी ब्रेक करता है और कौन सा, क्योंकि मिट्टी की ब्रेक का दोस्तों ट्रैक्टर के ऊपर डिपेंड नहीं करता, रोटावेटर के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि जो एग्रीना का रोटावेटर शक्तिमान के मुकाबले कहीं ना कहीं हल्का रहता है थोड़ा। दोस्तों मिट्टी देख सकते हैं, फिलहाल दोनों ट्रैक्टर की मिट्टी बराबर सी है, बारीक सी एक जैसी है। आगे से वीडियो दोस्तों दिखाता हूं मैं एक बार दोबारा से, चक्कर मैच करो आगे। 80-55 बॉस 245, ये किसान किराए का काम करते हैं, पहले 245 चला रहे हैं, अब 80-55 लेने का विचार है इनका किराए के हिसाब से। RPM कोई लेवल नहीं है दोनों का, अंदाजे से चला रहे हैं। 245 दूसरे के लो में और 80-55 पहले के लो में, इधर 245 आके जा रहा है, दूसरे लो में है, दूसरे लो में लगा रखा है। अब दूसरे के लो की इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा हो जाएगी उससे, अब ये आगे निकल जाएगा दोस्तों पीछे होने की वजह से भी। इसकी सारे ज़्यादा देखता है कि 16 के टायर होने की वजह से स्पीड का फर्क आ रहा है। दोस्तों ट्रैक्टर दोनों ही बहुत ज़बरदस्त है मैस्सी कंपनी की आपस में, अपने आप में। दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आपको इसी तरह ट्रैक्टर की वीडियो मिलती रहेंगी। दोस्तों ट्रैक्टर की जो 16 के टायर की चाल ज़्यादा होती है, सब लोगों को पता है कि बड़े टायरों से ट्रैक्टर ज़्यादा पहिया घूमता है। दोस्तों फिर ट्रैक्टर लगभग बराबर से कर लिए हैं, 245 थोड़ा आगे है, अब देखेंगे। कौन से ट्रैक्टर की स्पीड रहती है दोस्तों, दूसरे के लो में देख सकते हैं दोनों ट्रैक्टर की स्पीड 80-55 बॉस और 245, 80-55 की स्पीड आगे है, ज़्यादा है, जो कि आगे निकल गया ट्रैक्टर से 245 से। जो फ्रंट के टायर है दोनों में 7-50-16 के हैं और पिछले टायर 14 और 16 के हैं। 245 क्वाड्रा PTO रोटो ट्रांसमिशन के साथ आता है, 80-55 जो रिवर्स PTO और लाइव PTO के साथ और 8+2 गेयरबॉक्स के साथ है। दोनों ट्रैक्टर आयल ब्रेक में है। अभी इन्होंने गियर चेंज कर दिया मेरे ख्याल में 80-55 वाले ने, तीसरे का लो लगा दिया जो कि स्पीड ज़्यादा होगी।
एक बार कंपनी वाले से बात करेंगे कि वो क्या रिव्यू देते हैं। दोस्तों कंपनी वाले आ गए हैं, इनसे हमें बात करेंगे। हाँ जी सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर आप आज यहाँ डेमो देने आए हैं 80-55 का जी। तो क्या रिजल्ट है, क्या बताएंगे आप ट्रैक्टर के बारे में थोड़ा सा? जैसा कि पहले तो मेरा सभी किसान भाइयों का नमस्कार। ये अपने ही दोनों ट्रैक्टर हैं और दोनों ही 50 HP ट्रैक्टर हैं, जो अभी हाँ मार्केट में हम दोनों को ही 50 HP ट्रैक्टर बता के प्रमोट कर रहे हैं जी। डिफरेंस है दोनों में, टेक्नोलॉजी का भी और हर चीज़ का डिफरेंस है जी। दोनों ही ट्रैक्टर अगर देखे जाएँ तो 50 HP में मार्केट के किंग हैं। मैं अगर जैसा आपसे बताना चाहूँगा कि थोड़ा सा आपने देखा होगा अभी गियर की स्पीड को चाल, हाँ वो मैंने दिखा दिया दोनों ट्रैक्टरों का, तो वो थोड़ा डिफरेंस इसलिए भी है, एक तो उस ट्रैक्टर का चाल थोड़ा ज्यादा है और दूसरा उसमें 16 के टायर है। 16 के टायर बिल्कुल बिल्कुल, चाल तो देखो एक तरफ बराबर है, जो टायर पड़ गए ना तो 16 के उसमें से चाल उसकी बढ़ गई है, थोड़ी चाल उससे ज्यादा है और टायर से और ज्यादा हो रखी है ना बिल्कुल। बाकी दोनों ट्रैक्टर बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस के साथ में 50 HP मैसी के हैं जी जी। और रूटावेटर में अगर मैं बोलूँ तो मैसी का PTO पावर इंजन पावर से थोड़ा ही कम होता है, जिससे कि हम रूटर पे बहुत अच्छे से वर्किंग करते हैं हमारे। नहीं वो देख रहे हैं खेत की जुताई कर रहे हैं, जो पहली बार में ही जो मैसी ट्रैक्टर में देख सकते हो इतना बढ़िया, बहुत अच्छा देखो, एक पहली बार की जुताई करी हुई है देख सकते हैं आप इसमें जी। तो सर एक चीज बताइए, जैसे कि ये ट्रैक्टर अभी किसान है, ये ट्रैक्टर लेना चाह रहे हैं, इनका काम क्या है? अपना काम करते हैं, किराए का करते हैं, क्या है इनका? ये किसान भाड़े का काम करते हैं, इनका भाड़े का काम है। अच्छा। और जो हमारे DST भाई हमें यहाँ लेके आए सेल्समैन जी, उन्होंने हमें बताया कि ये 245 ट्रैक्टर है इनके पास में जी, जो लगभग 6-7 हजार घंटे ये ट्रैक्टर अभी तक चला चुके। अच्छा 6-7 हजार घंटे चला दिया जी। ये भाड़े पे चला दिया जी, भाड़े पे चला रहे हैं। नहीं लोग कहते हैं कि मैसी ट्रैक्टर भाड़े पे तो कामयाब नहीं है, तो ये तो भाड़े पे बढ़िया रिजल्ट दे रहा, अच्छा चल रहा है ट्रैक्टर। मैं चलो देखो जी, किसान भाइयों को झुटलाना और बहलाना हमारा काम नहीं है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की कोई ज़रूरत नहीं है। पहला ट्रैक्टर उनके पास में 245 50 HP वो चला रहे हैं और दूसरा भी उन्होंने मैसी का ही 80-55 ट्रैक्टर बुलाया है जी। तो आप सेटिस्फेक्शन को समझ सकते हैं कि किसान कितना ज़्यादा सेटिस्फाइड है। ये बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जो किसान एक बार मैसी द्वारा लेने की इच्छुक है तो इसका मतलब वो संतुष्ट है, तेल से भी और काम से भी। आज देखो आज नई नई टेक्नोलॉजी के ट्रैक्टर मार्केट में बहुत ज़्यादा है, किसान हर बार एक नया कस्टमर बनना चाहता है दूसरी डीलरशिप का, क्योंकि दूसरे लोग आके दूसरे ट्रैक्टर की अच्छी बढ़ाई करते हैं, फिर भी हमारे किसान ने हमसे ही दूसरा ट्रैक्टर मंगवाया, तो हमें तो यही संतुष्टि बहुत है कि हमारा किसान हमारे ट्रैक्टर से सेटिस्फाइड है जी। ठीक है सर, बहुत धन्यवाद आपका जी जी। तो दोस्तों अभी कंपनी वाले अधिकारी से आपकी बात करवाई है, ट्रैक्टर के बारे में उन्होंने रिव्यू दिया है, जो किसान आई है पहले से इस ट्रैक्टर से भाड़ा कर रहे हैं, तो दूसरा भी है मैं 80-55 लेना चाह रहे हैं। दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आपको इस तरह से वीडियो मिलती रहेंगी। धन्यवाद।